नमस्कार, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के रामदास भट्टा में बीते दिनों जमीन विवाद को लेकर दो भाइयों के बीच हुई मारपीट में एक नया मोड़ सामने आया। आज छोटे भाई और बहन विजय लक्ष्मी अपनी मां को लेकर SSP कार्यालय पहुंची। विजय लक्ष्मी का कहना है कि हमारे ऊपर, हमारे भाई के ऊपर लगे आरोप बेबुनियाद है। मेरे बड़े भाई मेरे माँ को रखना नहीं चाहते हैं। जब मैं अपनी माँ की तरफ से बोली तो भाई भाभी ने हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए और हमारे मारपीट की। हम SSP साहब से न्याय की मांग करने आए हैं और हमारी मां को सुरक्षा मिले। विजय लक्ष्मी जी, कल जो मारपीट हुआ है इसमें आरोप लगा है आप लोग के भाइयों के द्वारा। छोटा भाई ने बड़ा भाई को मार के सर फाड़ा, अपना भाभी को भी मारा, क्या सच्चाई है बताइए? ये झूठे आरोप लगाया है, खुद उसका लड़का से ही उनका सर में चोट लगा उनकी माँ को, और लाठी डंडा वो खुद चला रहा था उसी में उसको खुद से ही लगा है, और हम लोग का ऊपर में इल्जाम लगाया जा रहा है। ये गलत आप लोग तरफ से नहीं मारा गया है? नहीं, हम लोग हाथ में कुछ था, हम लोग तो सामान लेके ही आए ही थे तुरंत, तो उसमें ही वो ही निकल गया लेकर के, वो क्या था बेसबॉल वाला जो बैट था वही लेके आया था मारने के लिए। आरोप तो आपके छोटा भाई को पर लगाया गया? हाँ, ये गलत आरोप लगाया है वो। तो अभी किन से मिलने पड़ेगा? हम लोग SP साहब से आए हैं मिलने के लिए। क्या चाहते हैं उनसे? माँ को मारने का अभी भी धमकी दिया हुआ है कि घर में रहेगा तो मार देंगे बोल करके। सामान किसका है? सामान माँ का है। माँ लेके गई थी? हाँ, माँ अपना सामान लेके गई थी। तो माँ कहाँ रह रही थी? माँ छोटी बहन का घर में रह रही थी। कितने साल? लाइन 3 साल से। क्यों? क्योंकि वहाँ लाइन काट दिया था उनका। कौन? बड़ा वाला भाई मनमोहन सिंह। अच्छा, वो लाइन काट दिया था तो उस वजह से, छोटा बच्चा था घर में उस वजह से वो लोग वहाँ रह रही थी। अंधेरा में कैसे रहती, वहाँ 75 साल की बुढ़िया है। उसका शिकायत आप लोगों ने किया था? हाँ, बहुत किए थे, केस चल रहा था और वो अभी भी केस में भी अटेंड नहीं होता है। अभी क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि माँ को अभी जो जान से मारने का धमकी दिया है वो सब कुछ उनका सुरक्षा हो। घर किसके नाम से है? घर मेरे पापा के नाम से, दादी के नाम से था, जो मेरा 3 चाचा लोगों में बंटवारा हो गया, पापा के नाम से हो गया था। तो अभी क्या माँ को रखना नहीं चाह रहा? नहीं, बोलता है प्रूफ करके आओ पहले कि तुम्हारा घर है बोल करके। बेटा, बड़ा बेटा नहीं रखना चाह रहा? नहीं, बड़ा बेटा क्या, वो तो छोटा बेटा का साथ ही रह रही है, वो तो खैर शुरू से अलग ही रह रहा था। पापा का नौकरी ले लिया था, अपना हिस्सा लेके वो अलग हो चुका था, उसको फ्लैट दिए थे पापा, वो भी बिक्री कर दिया वो। तो आप लोग का क्या कहना, मारे नहीं आप लोग? हम लोग मारे नहीं है। चोट सर में दोनों का लगा हुआ? उसी से लगा उन लोगों को ही। वही लोग जो मारने आया उसका चोट उसी को ही लगा, आपस में ही मारा है। क्या है सच्चाई? गलत है सर। पहला तो पहली बात, जब भी मैं यहाँ आता था अपना घर तो तब ये लोग लड़ाई झगड़ा करता था, और पिछले जब जब आए तब तब मेरे ऊपर केस डाला है लोग। तो आरोप है घर को कब्जा आप लोग कर रहे हैं? हम नहीं, कब्जा उसने खुद ही कर रखा है। करने जा रहे हैं माँ का घर सामान? माँ का सामान लेके, माँ और हम अपना परिवार को लेके आए, हम लोग को घुसने नहीं दे रहे घर में। और जब भी करते हैं मारपीट किया मुझे, मेरा बच्चा छोटा है और न घर का बिजली काट के रखा हुआ। हम बोले कि आज लाइन भी हम जोड़ेंगे और घर में भी घुसेंगे चाहे किसी भी तरह से हो। घर किसके नाम से? घर मेरे दादी के नाम पे था, दादी से मेरे तीनों चाचा के बीच में डिवाइड हुआ, 10x45 करके सबको मिला। मेरे पापा का नाम मदन मोहन सिंह है, बड़े पिताजी छोटे लाल सिंह है, और चाचा थे मेरे ब्रिज मोहन सिंह। सबका अपना अपना 10x45 का और नोटिफाइड नोटिफिकेशन हो चुका है। तो घर में कौन नहीं दे रहा घुसने? बड़े वाला भाई मनमोहन सिंह नहीं घुसने दे रहा, और उसके बेटा इंद्र मोहन सिंह। आपको घुसने नहीं दे रहा? घुसने नहीं दे रहा था, ऊपर से मारपीट किया, डंडा मेरे पास वीडियो है उसका। तो अभी किन से मिलने आए? अभी मैं SP साहब से आए मिलने के लिए, माँ को लेके ही आए। चाहते क्या है? चाहते हैं कि थाना में हम जब गए हैं तो थाना से हम लोग कोई मतलब फैमिली मैटर में हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जब मारपीट होगा तभी। अभी गए थे थाना में भी, तो थाना इंचार्ज भी बोले कि अब घर में पहले CCTV कैमरा लगाइए तभी जाके मेरे पास आइएगा 7 बजे। अभी क्या मिलने आप लोग? अभी मैं आए हैं वही SP साहब के पास। चाहते क्या है? चाहते हैं न्याय चाहते हैं सर। अभी हमें छोटा अपना परिवार है मेरा, मेरे छोटे बच्चे 3 क्लास में पढ़ते हैं, अभी बूढ़ी माँ है, अब मेरी वाइफ है, और मैं ड्यूटी अगर जाऊँगा, मैं ठेकेदारी में काम करता हूँ टाटा स्टील में। घुसने नहीं दे रहा मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, अगर कल को मेरे गैराजरी में ये लोगों को कुछ कर दिया मार दिया, कल ये तो कोशिश कर रहा हूँ माँ को ढकेलने का। सीढ़ी से क्या नाम हुआ आपका? मेरा कृष्ण मोहन सिंह नाम हुआ।